मीरगंज बरेली जीएसटी छापेमारी के संबंध में मीरगंज उद्योग व्यापार मंडल ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। विगत 5 दिन पहले जीएसटी टीम ने मीरगंज की 8 दुकानों पर छापेमारी की थी। उसके बाद कजेवा क्षेत्र के आसपास के दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद रखी। दुकानें बंद होने से व्यापारियों का नुकसान हो रहा है। इसी क्रम में मीरगंज उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष राम नारायण गुप्ता के नेतृत्व में कई दर्जन व्यापारियों ने उप जिलाधिकारी मीरगंज कुमार धर्मेंद्र को ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों ने बताया कि यदि किसी व्यापारी का नाम जीएसटी टीम के पास है और जीएसटी टीम उसका सर्वे करना चाहती है तो व्यापार मंडल से संपर्क करें, व्यापार मंडल टीम का पूरा सहयोग करेंगे। इस तरह छापा मारने से व्यापारियों में भय का माहौल बना हुआ है, जिससे करीब 5 दिन से व्यापार बंद है। दुकानदार भूखे मरने की कगार पर है। इससे व्यापारी व सरकार दोनों का नुकसान है। इस दौरान युवा अध्यक्ष चरणजीत सिंह टोनी, युवा महामंत्री अरविंद गंगवार, नसीम अहमद, जिशान अंसारी सहित कई दर्जन व्यापारी मौजूद रहे। आज आप मीरगंज एसडीएम साहब से मिले थे, अगर आपका क्या उद्देश्य था, आप ये तमाम व्यापारी क्यों इकट्ठे हुए हैं? हमारा उद्देश्य ये है कि जो 5 दिन पहले से छापेमारी चल रही है जी, हमारे मीरगंज में 8 लोगों को चिन्हित किया गया था। उनके ऑफिसर लोगों ने बताया कि उनके ऊपर से नाम आए हुए हैं, जिसमें 7 लोग या 6 लोग मौजूदा, उनका सर्वे किया गया, 2 लोग बंद मिले, उनका फोटो ले गए। तो हमारे सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि उन 2 पे कार्रवाई जरूर होगी, चाहे वो नोटिस दें, नोटिस नहीं दें तो उन पे छापेमारी करेंगे। 15 तक का ये सुना है हम लोगों ने। कब तक का नहीं आपने सुना? कोई आपके पास पेपर कोई के माध्यम से हमने सुना, अखबार के माध्यम से सुना? 15 तक ये है, अभी 3 दिन बाकी है। तो व्यापारी डरा हुआ है कि शायद मेरा लिस्ट में नाम ना हो, मेरा ना हो, इस करके पूरा मार्केट बंद है। छोटे दुकानदार हैं, गरीब तबके के लोग हैं, वो बंद है दुकान। 20-30 तो हम साहब से हम ज्ञापन दे के यही उनको हमने रिक्वेस्ट किए कि हम सेक्टर जीएसटी अधिकारियों के साथ हैं। हाँ। वो हमें नाम बता दें किसके सर्वे होना है, तो हम स्वयं जाकर सर्वे करा देंगे। अगर गलत पाया जाता है हम उनका साथ नहीं देंगे। सही है तो ठीक है, आगे हम रिक्वेस्ट करते हैं इस तरह से छापेमारी ना करके एक टीम गठित करके व्यापार मंडल का सहयोग लेके जीएसटी अधिकारी आके सबका एक रजिस्ट्रेशन करें, हम उसमें सहयोग करेंगे और टैक्स दिलाएंगे। जो टैक्स नहीं देगा वो हमारे व्यापार मंडल से ही हम निकाल के लंबा कर देंगे। नहीं, जैसे जैसे इस समय हम लगातार देख रहे हैं कि जीएसटी के नाम पे अपने क्षेत्र में क्या पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में एक बहुत बड़ा हुआ बना हुआ है, कहीं भी कोई भी मार्केट नहीं खोल पा रहा है। ऐसे में आप मीरगंज व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, आप अपने इस टीम के लिए क्या आश्वासन देना चाहेंगे? मैं आश्वासन ये देना चाहूंगा कि सभी व्यापारी भयमुक्त होकर आज से दुकान खोले, जहाँ मेरी जरूरत रहेगी, मेरे व्यापार मंडल की जरूरत रहेगी, मेरे जिला के व्यापार मंडल की जरूरत रहेगी, प्रदेश के व्यापार मंडल की जरूरत रहेगी, तत्काल खड़ा होगा मेरी आवाज़ पे। मैं उनसे अच्छे संबंध है, उनका मेरे को रोज ही बात हो रही है, डेली कह रहे हैं आप खोलिए, और जीएसटी नहीं है वो आगे जीएसटी ले लें, कानून के दायरे में काम करें, हम उनका साथ देंगे, अन्यथा स्थिति मजबूर होंगे, हम नहीं दे पाएंगे। मीरगंज एसडीएम कुमार धर्मेंद्र से अभी आपकी मुलाकात हुई, उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया? उन्होंने ये आश्वासन दिया कि दुकान खोलिए आप। हाँ। कोई ऑफिसर या कोई सेक्टर अधिकारी गलत आपसे व्यवहार करते तो आप तुरंत बताइए, हम उस पर एक्शन लेंगे। ठीक ठीक, धन्यवाद।